तो गाँव वालों ये है लास्ट वीडियो सेल के ऊपर, सेल के बारे में। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, वही बचपन वाला, जहाँ पे कॉम्बिनेशन आए वही समझ जाना कि सीरीज और पैरेलल की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आप दो चीजें पढ़ोगे। पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखोगे, सेल को अगर हम बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ दे तो नेट इफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकालोगे, और दूसरा अगर उसको हम पैरेलल में जोड़ दे तो नेट वोल्टेज यानी कि नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे। तो मैं सबसे पहले आपको जल्दी से सीरीज कॉम्बिनेशन बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज में भी इसके सेल में सीरीज के कॉम्बिनेशन में भी दो केसेस है। पहला केस है सेम पोलैरिटी का, मैं लिख देता हूँ सेम पोलैरिटी का केस है। सेम पोलैरिटी, इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार नॉर्मल जो आपके एमसीक्यू बेस्ड जितने भी एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जाता है। तो सेम पोलैरिटी का केस है। सेम पोलैरिटी मतलब क्या है कि मान लो बहुत सारे सेल ले लिए उन्होंने, एक सेल ले लिया जिसका ईएमएफ और इंटरनल लिख देंगे, ऐसे करके बहुत सारे सेल एक के आगे एक, यानी कि सीरीज में कंबाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे 4 सेल ले लेता हूँ, ऐसा करके ले लिया है ना, ठीक। अब इसके आगे क्या करोगे आप कि मान लो इसका ईएमएफ कितना है, E1 दे दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ऐसे सबका गिवन होगा E2 R2, ये E3 ईएमएफ और R3, इसका ईएमएफ E4 है, ये R4 है। अब आपको क्या बोला है, एक के आगे एक जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज तो हो ही गया। अब सेम पोलैरिटी मतलब क्या है कि सबका करंट सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे तो प्लस में से करंट निकलता है, सबको पता है पहले से, है ना। तो इस पहले वाले सेल का करंट किधर की ओर होगा, ऑफ कोर्स लेफ्ट में। इसका किधर की ओर होगा, ये भी प्लस है तो इसका भी लेफ्ट में, इसका ये भी प्लस है तो इसका भी लेफ्ट में, इसका भी लेफ्ट में, यानी कि सबका करंट एक ही डायरेक्शन में। तो इसको जब सबका करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं ये सेम पोलैरिटी का केस है। और सेम पोलैरिटी के केस में क्या होता है कि जो नेट, अगर मैं कहूँ अब आपसे कि मैंने इन सभी सेल को जोड़ के सिर्फ एक सेल बनाना है, तो बताओ नेट, उसका नेट ईएमएफ कितना होगा। तो उसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला केस है, रेजिस्टेंस वाला सीधे सीधे कि सबको जोड़ दो, सीधे सीधे खत्म। अगर सेम पोलैरिटी का केस है तो आंख बंद करके जोड़ देने का। और अगर मैं पूछ लूँ यहीं पे आर नेट, नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में ही है, तो सीधे सीधे जोड़ दो। हमको पता है सीरीज में कैसे करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R3 प्लस में R4 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला केस था। इसी का दूसरा केस है अपोजिट पोलैरिटी का, इसको देखते रहना, इस पे क्वेश्चन फंसाया जाता है अपोजिट पोलैरिटी पे। अब मैं इसका कौन सा क्वेश्चन फंसाया जाएगा वो भी बता देता हूँ आपको। देखो मान लो फिर से ऐसा करके हमने बहुत सारे सेल ले लिए, फिर से 4 सेल ले लेते हैं अपन, ऐसा करके ऐसा करके, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना एक सेल बदतमीजी कर देगा। ऐसा करके हमने ले लिया और ऐसा करके हमने कंबाइन कर दिया, ठीक, और इसको जोड़ दिया। तो ये पहला सेल था ईएमएफ E1 का और रेजिस्टेंस R1 का, ये E2 का, ये R2 का। अब देखो इस वाले को देखो, ये E3 इधर की ओर हो गया और R3 इधर आ गया, ये E4 का और ये R4 का, राइट। अब करंट चेक करेंगे तो करंट में क्या है कि जो पहला सेल है उसका पॉजिटिव तो लेफ्ट में है तो उसका करंट इधर की ओर होगा, राइट। इसका भी करंट किधर की ओर होगा, इधर की ओर। इसका करंट देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, राइट में, तो इधर की ओर करंट निकलेगा ना। तो ये देखो बाकी सब इधर करंट निकाल रहा है, ये बदतमीज उधर घूम गया, कहता नहीं मैं नहीं मानूंगा इनकी बात, देख रहे हो। और जबकि E4 निकला, नहीं 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 तो गद्दारी नहीं करनी। E4 कहता है अपना प्लस इधर की ओर, तो इसका करंट भी इधर की ओर, तो गद्दारी की किसने, E3 ने, पलट गया, है ना। तो इस केस में जो ई नेट निकाला जाएगा, नेट, अगर इन सबको कंबाइन करके मैं अगर एक सेल बना दूं तो जो उसका नेट ईएमएफ होगा वो कैसे निकालोगे, जो सेम डायरेक्शन में है उनको जोड़ दो, जो अपोजिट में उसको हटा दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे लिखूंगा E1 प्लस में E2 प्लस में E4 वाला, 4 वाला प्लस करेंगे क्योंकि 4, 2 और 1 का करंट एक डायरेक्शन में था। E3 ने बदतमीजी की तो इसको भगाओ, माइनस कर दो E3 को, समझे, ऐसे करके ईएमएफ निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको आर नेट पूछूं, नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस को करंट से कोई मतलब नहीं है, वो एक के आगे एक यानी कि सीरीज में जुड़े हुए थे, वो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। यहाँ पे लिखोगे R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4, रेजिस्टेंस को माइनस मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। सिर्फ इस वाले केस को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है कि जिसने बदतमीजी की, जो अपोजिट पोलैरिटी में जो पलटा, उसको माइनस करने का। इस पे जो बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये, वो वर्डिंग्स में लिख के देंगे। पहली बात तो आपको बोलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन बोलेंगे कि वी हैव टोटल 5 सेल, कि अपने पास टोटल 5 सेल है, जिसमें से जो एक सेल है वो अपोजिट पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है। मैं क्वेश्चन ओरली पूछ लेता हूँ आपसे, तो क्वेश्चन बोला जाएगा कि वी हैव टोटल 5 सेल्स इन विच एक जो सेल है वो अपने पास अपोजिट पोलैरिटी में जुड़ गया है। तो बताओ अब नेट इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा अगर सबका ईएमएफ सेम है, ई। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कि अपने पास टोटल 5 सेल है, सबका ईएमएफ सेम है, ई, सबका ई ही है, और उसमें से एक सेल जो है वो उसको अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ दिया गया है। तो बताओ अब नेट ईएमएफ कितना होगा। ऑप्शन दे देंगे आपको कितना, एग्जाम्पल देते हैं मैंने आपको 5E, 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं। बी वाला ऑप्शन है 4E, सी वाला ऑप्शन है 3E और डी वाला ऑप्शन है 2E। ऐसे करके मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए आपको। और क्वेश्चन क्या था कि 5 सेल है और 5 सेल में से एक सेल को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ दिया, सबका आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ ई है। तो बताओ नेट कितना होगा। अब एक बार तुक्का लगा लो जल्दी, लगाओ कौन सा, आप अपनी तरफ से क्या आंसर लगाओगे, लगा लिया सबने, आपने क्या लगाया होगा, 4E है ना, क्योंकि एक पलटा है तो एक तो माइनस हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, यही सोचा होगा। और यही सोचते हैं नॉर्मल बच्चे, मेजोरिटी बच्चों ने यही सोचा होगा कि आंसर 4 ही होगा, और वो गलत हो जाएंगे। क्योंकि देखो आप सिर्फ इमेजिन करने पाए तो ना, इसलिए अगर इसी को आप ड्रॉ करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 सेल बोला गया उनको, है ना, ऐसा करके 5 सेल बोला गया, और जिसमें से लास्ट वाला सेल जो है 1 सेल, मैं कोई सा भी 1 सेल पलट देता हूँ ऐसा करके, अपोज पलटिंग कर देता हूँ। ये भी ई का है, ये भी ई का, ये भी ई का, ये भी ई का, ये भी ई का, है ना। तो ये 4 तो जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम पोलैरिटी में, और ये वाला माइनस होना है, तो 4e माइनस ई नहीं करोगे, आंसर कितना आएगा, 3e। और बच्चे लगा रहे होते 4e, इसको उनको लग रहा था एक ही तो गया, अरे एक एक दूसरे को लेके जाएगा भैया, समझे कि नहीं समझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, 3। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट फंसाया जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कौन सा वाला, अपोजिट पोलैरिटी वाला, जो आपको पता होना चाहिए। चलो अपने पास पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको बस अब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से आंसर पता होगा, आग बंद करके 3 देने का, है ना। अब इसी के आगे अपने पास दूसरा केस है, पैरेलल का केस, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, इसी में वीडियो में कर लेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वीडियो देख लेना। दूसरा केस है अपने पास पैरेलल का। देखो पैरेलल में पूरा डेरिवेशन भी है 12th में, लेकिन वो आपको इस वीडियो में कराऊंगा नहीं। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं बनाऊंगा, वरना अगर फॉर्मूले से काम चल जाता तो बढ़िया। अब इसमें मान लो कि अपने पास 2 सेल है, फिर से दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ा जाएगा। E1 का है, R1 का है, इसको मैंने पैरेलल में दूसरे सेल के साथ ऐसे करके जोड़ दिया, ये E2 और R2 वाला था, ठीक, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन निकाल दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को जोड़ के 1 बना दो, तो जो 1 बनाओगे उसका E नेट कितना होगा, नेट EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो E1 के साथ R2, E1 R2 प्लस में E2 के साथ R1, E2 R1 उल्टा चलता है, अपॉन में R1 प्लस R2। ये फाइनल फॉर्मूला आप डेरिवेशन से निकालते हो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है नेट ईएमएफ का। और यहीं पे पूछूं नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भैया, ये किस में है, पैरेलल में, तो या तो आप ऐसे करके निकाल लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 अपॉन में आर नेट जो होगा, आर नेट जो होगा वो 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 होगा, ये आपने पढ़ रखा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। और वहीं पर बटरफ्लाई मेथड जिनको पता है, तो आर नेट का फॉर्मूला क्या करूँगा मैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 लगा सकता हूँ 2 रेजिस्टेंस के लिए। तो ये बेसिक सा कॉम्बिनेशन। अब देखो इसी में ये भी सेम पोलैरिटी अपोज पोलैरिटी आता है, पैरेलल में भी सेम पोलैरिटी और अपोज पोलैरिटी का केस आता है, ये अभी सेम पोलैरिटी है, मतलब इसका करंट भी इधर, इसका भी करंट इधर की ओर। तो जब सेम पोलैरिटी हो तो यहाँ पे प्लस आता है, और जब अपोजिट पोलैरिटी हो जाए, इस सेल को पलट दो तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। इतना सा अंतर याद रखने का, जो कि 12वीं के NCERT के सिलेबस में नहीं है और ना CBSE बोर्ड के सिलेबस में, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप नीट और JEE देना चाहते हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम लड़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इस पैरेलल में भी सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी का आता है। सेम पोलैरिटी मतलब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर उस एक सेल को पलट दो तो यहाँ पे माइनस आने लग जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। तो ये था पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फंसाया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और जितना मैंने लिखा है उसका नोट जरूर बना लेना। देखो ये जितना मैं दे रहा हूँ सबसे छोटा कंटेंट है और सबसे सटीक कंटेंट है जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके लिख लेने का, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।